वहीं 2024 के चुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए वो अपने पुराने साथियों को जोड़ने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में शिवपाल यादव औरैया पहुंचे और अपने पुराने साथी भोला सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। इसके साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा गया। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है। और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है, कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं। वही 2024 के चुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए वो अपने पुराने साथियों को जोड़ने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में शिवपाल यादव औरैया पहुंचे और अपने पुराने साथी भोला सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। इसके साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा गया। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है। और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है, कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।